हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं अभी अमेरिका में हूँ। यहाँ पे लाइसेंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ ऑनलाइन और मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, एवरीथिंग। अभी आज जो क्लास है हमारी, कलर की जो क्लास चल रही है, उसी में ही मैं ग्रे कवरेज के ऊपर आज का वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं कुछ ब्रांड्स के टॉपिक्स उठाऊंगा, उसमें से आपको पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप ग्रे कवरेज कर सकते हो। ग्रे कवरेज कभी कभी मुश्किल आती है करने में, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो ग्रे कवरेज नहीं होता है। वो आपका जो प्रॉब्लम है वो आज सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ मेन स्ट्रीम, मतलब मेन जो हमारा PDF फाइल है L'Oreal कंपनी का, वो दिखाने वाला हूँ। तो ये जो बात करने वाला हूँ आज, ये है वाइट हेयर के बारे में। ये L'Oreal कंपनी ने बताया हुआ है, थोड़ा हम पढ़ लेंगे पहले ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाए कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइट हेयर रूल टू फॉलो टू ऑब्टेन एक्सीलेंट कवरेज ऑन मोर देन 30% वाइट हेयर। 30% वाइट हेयर से ज़्यादा, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों है, मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा आपको। द बेसिक शेड्स एंश्योर ऑप्टिमम कवरेज ऑफ वाइट हेयर व्हेन यूजिंग फैशन शेड फॉर कवरिंग वाइट हेयर। इट इज असेंशियल टू ऐड टू द फैशन शेड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस शेड। तो बोल रहे, अगर आप फैशन कलर कर रहे हो तो उसमें बेस कलर ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप 30% से ज़्यादा वाले बालों में कलर कर रहे हो, डायरेक्ट बेस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आपको प्री सॉफ्टनिंग करनी पड़ती है। प्री सॉफ्टनिंग क्या है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, मैं आज उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। वो काफ़ी कंपनीज नहीं बताती हैं प्री सॉफ्टनिंग के बारे में। तो यहाँ पर है डिज़ायर फैशन, अगर 6.34 है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिक शेड है वो जो फैशन शेड का बेस है वही सेम नंबर का बेस लेंगे हम। जैसे डिज़ायर फैशन शेड है 6.34, उसका बेस क्या है 6, तो हमें अलग से एक बेस ट्यूब लेनी पड़ेगी, दोनों को ऐड करेंगे और लगा देंगे। नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है फ्रॉम 0 to 30% वाइट हेयर जो है, 0 to 30% वाइट हेयर जो है उसमें लिखा हुआ है इवनली डिस्ट्रीब्यूट, नो नीड टू एडिंग बेसिंग शेड। अगर आपका 30% से कम सफ़ेद बाल है क्लाइंट का, आप आइडिया ही लगा सकते हो ना बालों को देख के हेड पे कि हाँ शायद 30% होगा या 40% होगा, 50% मतलब आधे काले आधे सफ़ेद। तो इस हिसाब से आपको आइडिया लगाना है कि वो बाल जो हम देख रहे हैं वो 30% से कम है, मतलब थोड़े बहुत हैं, 10% 20% परसेंटेज में हिसाब लगाइए। और उसमें आप डायरेक्ट अगर फैशन शेड करते हो तो कलर आ जाता है, ऐसा बोलना कंपनी का है, L'Oreal कंपनी का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एशियन हेयर में काम कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 5 लेवल तक ही कलर कर सकते हो सफ़ेद बालों को। 5 लेवल से ऊपर जाते हो तो ट्रांसलूशेंट इफेक्ट आता है। वो क्या होता है, हल्का सा सफ़ेद झलक मारेगा जो सफ़ेद बाल है उस पर। अगर आप 6 नंबर का कलर करोगे या 7 नंबर का कलर करोगे या 8 नंबर का कलर करोगे तो थोड़ा सा सफ़ेद झलक मारेगा, एकदम से कवरेज नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर जो बालों का रिजल्ट है, सेम रिजल्ट चाहिए, तो आपको डिज़ायर जो बालों का कलर है उसी हिसाब से आपको 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर कोई भी कर सकते हो, परफेक्ट रिजल्ट आएगा और अच्छे से कवरेज होगी। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेंट कौन सा लेना पड़ेगा, डेवलपर कौन सा लेना पड़ेगा। सफ़ेद बालों में हमेशा लगता है 20 वॉल्यूम, तो हमें हमेशा 20 वॉल्यूम ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है 30 to 50% ग्रे हेयर। अभी 30 to 50% ग्रे हेयर में क्या होता है कि आपको जो बेसिक शेड है, जब 1/3 लेना है और हाफ सेकेंड थर्ड लेना है आपको फैशन शेड प्लस ऑक्सीडेंट, तो यहाँ पे 6 नंबर लेंगे हम 1/3 प्लस 6.34 लेंगे हम सेकेंड थर्ड एंड ऑक्सीडेंट लेंगे। ऑक्सीडेंट मतलब डेवलपर, राइट। इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे, यहाँ पे मैंने 2 लिखा हो बट ये थर्ड नंबर है,
50-100% ग्रे कवरेज में आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सीधा बेस कलर लगाओ, ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी अगर आपके क्लाइंट को फैशन शेड चाहिए तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, तो आधा फैशन शेड का ट्यूब जाएगा, आधा बेस शेड का ट्यूब जाएगा। मान लो 30% मैंने बेस डाला, 30% फैशन डाला, हो गया 60%, 60 ग्राम, राइट? 30 ml डाला दोनों तो 60 ml हो गया। तो डेवलपर भी जाएगा कितना, अगर लोरियल का रेशो है तो 1:1.5, अगर वेला का रेशो है तो 1:1, उस हिसाब से हम डेवलपर डालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, नोट, इन ऑल केसेस द चॉइस ऑफ ऑक्सीडेंट डिपेंडेंट अपॉन द डिफरेंट इन लेवल्स बिटवीन द नेचुरल बेस एंड डिजायर शेड लेवल ऑफ लिफ्ट लाइटनिंग रिक्वायर्ड। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत अच्छे से अगर आपको रिजल्ट लेके आना है और कवरेज करना है तो 20 वॉल्यूम की जगह अगर आप 10 वॉल्यूम यूज़ करते हो तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। यस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोग आपके साथ शेयर नहीं करते हैं और बताते भी नहीं हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ध्यान रखिएगा जब भी आप सीखने बैठो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें हमेशा। इसके बाद मैं हिंदी में लेता हूँ, सफ़ेद बाल नियम, 30% से ज़्यादा सफ़ेद बालों की अच्छी कवरेज पाने के लिए बेसिक शेड इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम फैशन शेड सफ़ेद बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी, यह ज़रूरी है कि हमें फैशन शेड में बेसिक शेड मिलाना चाहिए। समझ गए ना आप? मनचाहा फैशन शेड जो कि क्लाइंट को चाहिए 6.34 है, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें बेस शेड 6 नंबर जाएगा। अब ये 6.34 जो है, 6.34 इसमें बेस है नंबर 6, राइट? जो सबसे पहले आता है उसको बेस बोलते हैं, डॉट से पहले आता है उसको बेस बोलते हैं। तो वही 6 एक बेस कलर ट्यूब हम और ले लेंगे और वो ऐड करेंगे। अगर आपके क्लाइंट का मान लो बेस शेड है, फैशन शेड, डिज़ायर शेड है 7.71, ओके, या 7.83, तो इसका बेस क्या लेंगे हम, 7, क्योंकि इसका 7 बेस है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, इसके बाद 0-30% सफ़ेद बालों के लिए बेसिक शेड डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जिनके बाल कवरेज ही नहीं होते हैं उनको प्री सॉफ्टनिंग करना पड़ता है, उसके ऊपर भी आऊँगा मैं अभी, सॉरी। ओके, 30-50% सफ़ेद बालों के लिए आपको क्या करना है, 1/3 बेसिक शेड, 2/3 फैशन शेड, ऑक्सीडेंट डालना है, उदाहरण नीचे लिखा हुआ है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेंट लास्ट में। ऑक्सीडेंट चुनाव निर्भर करता है नेचुरल बेस और मनचाहे शेड के अंतर पर कि आपको कितने लेवल लिफ्ट करना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट रूट्स पे और सफ़ेद बालों में हमेशा 20 वॉल्यूम ही लगता है, या 10 वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। यस, अभी मैं बार बार बात कर रहा था आज प्री सॉफ्टनिंग के बारे में, काफ़ी बाल जो सफ़ेद, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कवरेज ही नहीं हो रहा है और बालों का कलर निकल जाता है जल्दी, यू नो, इसलिए शायद अच्छे से कलर टिक नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्री सॉफ्टनिंग करना। प्री सॉफ्टनिंग में क्या होता है, आपको पहले से कलर लगाना पड़ता है, जो भी आपको डिज़ायर कलर चाहिए वही कलर आपको लगाना पड़ेगा, प्री सॉफ्ट करना पड़ेगा, प्री सॉफ्ट करके देन आप कलर लगा सकते हो। यस, प्री सॉफ्ट समझ में आया आपको, 2 बार कलर लगता है जी, नहीं तो इसके ऊपर मैं प्लान करूँगा, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो शायद प्री सॉफ्टनिंग के ऊपर बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एन्जॉय। तो आपको ये समझ में आ गया, राइट? चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो जो था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, हमारे नए पेड कोर्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पर दिखाई देंगे। इन पेड कोर्स में आप देख ही रहे हो, ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि हमने ऑलरेडी
सारे काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं उस पर बात कर लेते हैं हम। इसमें है फुल कलर क्लास, बेसिक हेयर कट 7, एडवांस हेयर कट 5, ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट, स्मूदनिंग, कैराटीन, कैरा स्मूदनिंग, स्टेट थेरेपी, फ्रेंच बालियाज, हेयर एक्सटेंशन, परमानेंट ब्लो ड्राई, पर्मिंग और 2 दिन का मेकअप क्लास। तो ये आपको टोटल 111 वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। और इसकी जो फीस है वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से। और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है जून 4 से, यस। तो जल्दी से रेडी हो जाइए ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। और जाने से पहले हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स डालते रहते हैं, अपकमिंग क्लास के बारे में डालते रहते हैं और काफ़ी सारी वीडियो ट्रेलर्स भी डालते रहते हैं। तो आप जाके ज़रूर फॉलो करें। इस पे रूटीन में जो भी पोस्ट आती हैं हेयर टिप्स के बारे में वो भी यहाँ पे मिलेंगी आपको। हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ज्वाइन का बटन है लाइक के भी एकदम बाजू में। तो आप अगर सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन का बटन दबाओगे तो उस पर एक वीडियो मिलेगी आपको जो कि 3 मिनट की वीडियो है। उस पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि अलग अलग हमने कोर्स बनाए हैं उसमें भी, बट वो ये कोर्स से अलग हैं। वो अगर आप रूटीन में कोर्स करना चाहते हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ डिटेल्ड वीडियो है। और आज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सबके साथ, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सअप पे, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, सब लोगों को दीजिए, व्हाट्सअप पे शेयर कीजिए इस वीडियो को। और बताइए कि हम लोग एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, आज की वीडियो पसंद आई तो इसके बारे में भी बताइए। और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें शेयर की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो यही दोबारा देखनी है दोबारा क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे फेसबुक पे भी ये वीडियो है और इंस्टाग्राम स्टेटस में भी ये वीडियोस मिल जाएंगी आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, एंजॉय, बाय।